Hello students, Plusman Math. Today discuss example of exercise 11.1, example number 4. Before this, take NCERT book, rough notebook and pen pencils. Open a book at page 241, conic sections. Example number 4. Find the equation of the circle which passes through the points 2, minus 2 and 3, 4 and whose center lies on the line x plus y equal 2. ठीक है students, हमने equation of the circle बतानी है. मान लेते हैं circle की equation x minus h whole square plus y minus k whole square equal to r square. और उस केस में सेंटर आपका h k हुआ. किंतु ये इक्वेशन जो रिक्वायर्ड सर्कल है दो पॉइंट में से पास होती है, एक तो 2, -2 में, 3, 4 में. तो हम क्या करें, x y को बिलोंग करते हैं, x के स्थान पे पहले 2 पुट करते हैं और y के प्लेस पे -2 करते हैं. ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट बन गई. सेकंड इक्वेशन के लिए ये आल्सो इट पासस थ्रू 3, 4, तो x के प्लेस पे 3 पुट करते हैं, y के प्लेस पे 4 पुट करते हैं. ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन होगी. जो इसका सेंटर है, यानी जो सेंटर है, मान लो ये सेंटर है, तो ये एक लाइन है. इस लाइन की इक्वेशन आपको दे रखी है x plus y equal to 2. यानी सेंटर इसको वेरीफाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा. तो सेंटर हमने माने h के, तो x और y के प्लेस पे h के, h plus k equal to, this is third equation. अब हमने इसकी हेल्प से ही h और k बताना है, यानी इसका सेंटर पता करना है, रेडियस पता करना है, फिर हमने इक्वेशन ऑफ द सर्कल बतानी. तो हमने क्या किया, पहले इसको ओपन किया, a minus b का whole square into 2 का square plus h का square minus 4h, 2ab होता है, minus है तो -2ab आता है, plus है तो ये दोनों minus है. अगर दोनों minus हो, दोनों plus हो, तो सभी plus आते हैं. minus 2 का whole square 4, minus k का whole square 4k square plus 2ab यानी 4k equal r square. ऐसे ही हमने इस नीचे वाली को भी हमने clear किया, 3 का 9, h का h square, फिर -2ab होता है -6h, 4 का 16 k square और -8k आ गया इक्वल आर स्क्वायर. फिर हमने सबट्रैक्ट कर दिया, सभी के सिंबल चेंज हो गए. यू नो सबट्रैक्शन में सिंबल चेंज होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एस माने चेंज कर दिए. तो 4 -9 -k 5 ये कैंसिल हो गए, देखो कैंसिल हो गए. 6h -2h आ गया, माइनस के 12, ये फिर कैंसिल हो गए. 8 प्लस दोनों प्लस के हो गए, 8 प्लस 4 12 के आज के लिए कैंसिल हो गया. आपके पास आ जाता है 2h प्लस 12 के माइनस 5 और माइनस 12 माइनस 17, राइट साइड पॉजिटिव 17. और h और k आपके पास 2h को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2h 2k 4. अब सबट्रैक्ट करो, ये कैंसिल हो गए. आपके पास 10k आ गया, 10k 17 minus 4, 13. तो k की वैल्यू 13 upon 10. Similarly, हम h की वैल्यू 0.7 फाइंड कर लेंगे. You know. ठीक है, अब h और k की वैल्यू के बाद इसमें हम h और k की वैल्यू पुट करके r square की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो h और k की वैल्यू, या इसमें रख दो, जिसमें भी आप रखना चाहो रख सकते हो, इसमें भी रख सकते हो. वहां से हमें r square मिल जाएगा जो कि 12.58 है. और अब हमने क्या करना है, h और k की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, r की वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल. इस प्रकार हम इक्वेशन द सर्कल कर सकते हैं. ठीक है, इस प्रकार इस एक्सरसाइज जो 11.1 के एग्जांपल्स कंप्लीट होते हैं, इसको एक्सरसाइज को करना. ठीक है स्टूडेंट्स, जय हिंदुस्तान, जय डीएवी, हैव ए nice day. Thank you.